ये वाला स्टाइल लेके जाऊंगा मैं स्टेज पे। क्रेडिट कार्ड मिला है हमें, इतनी तेज शॉपिंग, जल्दी जिम भी जाना। इससे ज्यादा हम टेस्ट डाल नहीं सकते इसके अंदर, जो कि एक्सपेंसिव स्टफ। आप भी कुछ हो भाई साहब, उमर जी को पता नहीं है दिल्ली का वेदर इस वक्त खतरनाक। ऊपर से जुकाम हो रखा था, एनर्जी थोड़ी और ज्यादा डाउन है आज। तो ये शोल्डर से आगे चले जाएंगे। तो 60 ग्राम ओट्स ले रहे हैं और दोस्त को प्रोटीन। तो ये हमारी फर्स्ट मील है, इजी टू डाइजेस्ट और जल्दी से पी लो इसको। तो मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए यहाँ पे घर पे पी रहा हूँ, नहीं तो मैं जिम में ले जाता हूँ दो चार बर्फ डाल के कि हुआ फास्टर कार्डियो सीधा गटक गटक। पहले मिक्स करेंगे, ये हो गया हमारा रेडी। इसमें अब थोड़ा शेकर में डाल के पानी अपने स्वाद अनुसार, कोई कम पानी पीता है प्रोटीन तो इसमें ओट्स भी तो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। एंड देख रहे हो ओवर साइज ट्रिपल एक्सल, तो मैंने गेनिंग में भी नहीं पहना, कटिंग में पहन रहा हूँ, शोल्डर फट के नज़र लग जाएगी। तो ये रही हमारी फर्स्ट मील, प्रोटीन शेक विद ओट्स, वेरी सिंपल इजी टू डाइजेस्ट एंड कोई भी इसके अंदर गुड फैट नहीं है इस वाली मील में, ना ही कोई सैलड है। आगे वाली मील में है थोड़ा बहुत है, दे रखी है प्लीज़। और लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कटिंग वाली फेस की डाइट को, वेरी सिंपल। तो दिखाता हूँ मैं आपको पूरे डे में। सो गाइज पावर नैप ले ली, पूरा प्रोटीन शेक प्रोटीन जो भी था फर्स्ट मील पीते ही मस्त नींद आई है। पावर नैप के बाद ये दिक्कत है कि पता नहीं चलता सुबह चल रही है रात चल रही है क्या चल रही है। और ये रही हमारी सेकेंड मील तिलापिया, और इसमें अभी हम थोड़ी सी कलाकारी कर रहे हैं, कहीं तो थोड़ा सा टेस्ट लाए हम। ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, इससे ज़्यादा हम टेस्ट डाल नहीं सकते इसके अंदर। और तो ये है 180 ग्राम फिश है, ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी होते हुए। तो अभी 200 समथिंग ग्राम दिखा रहे हैं, लेकिन बनने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा तो हमें पता है, आफ्टर कुक थोड़ा अलग होता है। इसे हम घुमा देंगे 20 मिनट के लिए एंड टेम्परेचर विल बी 160 डिग्री। सो गाइस देखो हमें आज क्या मिला, क्रेडिट कार्ड मिला है हमें, तो मॉम ने क्रेडिट कार्ड दिया और हमारा बर्थडे आने वाला है, तो प्री बर्थडे गिफ्ट समझ लो इसको। हमारा जो पीसी था वो चलना बंद हो चुका है और उसमें जितना पैसा लगाएंगे हम उतने का नया आ जाएगा एक लैपटॉप। तो आज हम एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं, मैक वैक देखते हैं, क्योंकि हमें इतना काम तो है नहीं, गेम में खेलना है नहीं, तो मैक सही रहेगा। थोड़ा और रगड़ते हैं इस कार्ड को, जूते वूते और शॉपिंग होनी रही थी ना बहुत दिनों से। मॉम ने भी बिल्कुल भी मना नहीं करा कि लैपटॉप वैपटॉप के लिए, फिर हाँ लिया क्योंकि हमने बड़ा हाथ मारने वाले थे इस बर्थडे में कि मर्सिडीज वर्सिडीज ये वो, बिकॉज ऑफ घर कि कंपनी ले ली थी तो घर लिया नहीं, तो खड़ी कहाँ करें हम, सिर पे कर नहीं सकते खड़ी, तो इसलिए छोड़ो कोई नहीं, तो लैपटॉप में ही मान गए हम। और बर्थडे तो हमारा प्रेप पे जाने वाला है, वो दिखाएंगे कैसे जाएगा बर्थडे, इस बार तो कुछ नहीं हो सकता बर्थडे पे, नो फार्म हाउस नथिंग, पता नहीं देखते क्या होगा बर्थडे पे, कुछ सरप्राइज हो जाए तो। हमारी फिश रेडी हो गई है और पानी पीते रहना कटिंग वाले में, जितना पानी पियोगे उतनी ज़्यादा बॉडी प्योरीफाई होगी और उतनी ज़्यादा कटिंग। मैं ट्राई करता हूँ कि पूरे दिन में 6 लीटर तो पी लूँ, लेकिन मेरे से पिया जाता है 5। तो ये रही हमारी पूरी मील रेडी हो चुकी है, फिश एंड सैलड, नो कार्ब्स, नो गुड फैट, नथिंग, ओनली दिस। इसमें थोड़ा सा केचप डालेंगे और इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश करेंगे,
एंड ग्रीन सैलेड है, ग्रीन सैलेड में खीरे बीन्स वीन्स यही सब कुछ है, रॉ इफेक्टिव। तो व्हाइट फिश बोली हुई थी, व्हाइट फिश हमें मिल नहीं रही है पता नहीं यहाँ पे, तो उसकी जगह तिलापिया चल रही है। चलो इसे खा के मैं आपको नेक्स्ट मील में मिलता हूँ जो कि होगी थर्ड मील। यार चक्कर से क्यों राइट, थर्ड मील रेडी हो रही है। ये है चिकन, जो कि चिकन लग नहीं रहा है, तो ये चिकन कीमा है। चिकन कीमा इसलिए यूज कर रहे हैं हम क्योंकि राइस के साथ इजली खाया जाता है, वो बड़े बड़े पीस सही से पक नहीं पाते हैं एयर फ्रायर में भी। तो मेरे को भी ये थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया मेरी लाइफ में, मतलब कि थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए जिससे कि लगे तुम कुछ खा रहे हो अलग अलग चीजें। नहीं नहीं, तो ये चिकन कीमा है, ये हमने बना लिया बिल्कुल, देख रहे हो टेक्सचर ऑन पॉइंट। मेरे को तो लगता है जो भी मेरी बीबी होगी मेरे से बहुत खुश होने वाली है, कितना प्यारा बावर्ची मिल रहा है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है चिकन कीमा, इसके साथ हम ले रहे हैं वाइट राइस। तो वाइट राइस इसी पे डाल देंगे, अलग कलाकारी हमारी। ये पहले से ही नाप रखे हैं मैंने, 150 ग्राम राइस खा रहे हैं बस, 150 ग्राम 150 ग्राम 150 ग्राम तो कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, कीमा ज़्यादा दिख रहा है राइस से ज़्यादा। तो हमारे पास बारबेक्यू सॉस भी है लेकिन हम डाल नहीं सकते, कैसा है। ये रहा हमारा खाना और इसके साथ गुड फैट भी है। तो गुड फैट में हम ले रहे हैं पीनट बटर 1 चम्मच अनस्वीटेड, साथ में हमारा केचप, नो एडेड शुगर एंड सॉल्ट वाला अंग्रेजों वाला केचप। तो ये है हमारी मील, थर्ड मील। इसके बाद प्री वर्कआउट मील होने वाली है, उसके बाद पैसे खर्च होने वाले हैं और थोड़ा हमारा जो हुलिया बिगड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा ठीक कराने भी जाएंगे हम। नींद आ रही है या तो मेरे में जान नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ज़्यादा भी नहीं इतनी भी खुली छूट नहीं है केचप की, भर दो पूरा। कैलरीज तो इसमें भी हैं लेकिन कम है, बहुत यही होगा। सो गाइस बाहर निकलने से पहले और उसके बाद जिम भी जाना है, तो उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा दूँ जो कि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ भी फॉर योर हाइड्रेशन। ये है मसलप्लेस का हाइड्रेट प्रो, अबाउट 60% ह्यूमन बॉडी इज वाटर, इसलिए बॉडी को सही से हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एथलीट्स के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हम स्वेट में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज करते हैं, बिना प्रॉपर हाइड्रेशन के हमारा मसल फाइबर अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते और मसल पुल एंड मसल टियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर ट्रेनिंग एंड रिकवरी तो मैं रिकमेंड करूंगा ये मसलप्लेस का हाइड्रेट प्रो। इसका साइंस बैक हाइड्रो इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी की वजह से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के अब्सॉर्प्शन सीधा ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है बिफोर एंटरिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हिच मेक दिस द फास्टेस्ट एक्टिंग हाइड्रेशन ड्रिंक। किप्पा सर्विंग में आपको मिलता है 12 mg जिंक, 40 विटामिन सी जो की आपकी इम्यूनिटी एनर्जी बूस्ट करता है, प्लस इसमें 1200-3 mg इलेक्ट्रोलाइट्स हैं टू कीप यू परफेक्टली हाइड्रेट और बस 30 कैलोरीज पर सर्विंग। इसके बॉक्स में आपको 30 सर्विंग मिलती है जो की एक पाउच एक सर्विंग है इसका, एंड ये एक पाउच में आता है जिससे कि डोजेस की आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक डालना है फॉर वन टाइम यूज। टू ऑर्डर डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में आपको क्लिक करना है एंड यूज माय कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट W30 एंड मैं लेता हूं, आज मैं दो ले लेता हूं, एक रास्ते के लिए और एक जिम के लिए। स्कूल चले हम, लंच टाइम हो चुका है स्कूल में, तो ये केचप है और ये फिश है, तो सेम डाइट है जो तो हमारी थर्ड मील थी, सेकंड वाली की तरह सेम है, इसमें भी फिश है और ग्रीन सैलेड है सेम। और अभी हम मॉल के बाहर खड़े हैं, पहले सैलून जाएंगे फिर पैसे उड़ाने जाएंगे, ठीक है। तो पहले खाना खा लेते हैं, ऊपर से जुकाम हो रखा था, एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा डाउन है आज, वर्कआउट करके ठीक हो जाएगा। जैसे थे वैसे ही उठ के आ गए हम, बाल हमने छुए भी नहीं, बस मुँह धो के आ गए। ये वाला स्टाइल लेके जाऊंगा मैं स्टेज पे, बर्थडे भी है 6 तारीख को, क्या पाए। वो है अभी कलर
प्रो नहीं, प्रो है हम, प्रो बनना है तो प्रो लेना पड़ेगा, 500 हमारा इनफ रहेगा। चलो ये करते हैं। कितनी तेज शॉपिंग, जल्दी जिम भी जाना है। कार्ड वार्ड कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट तो लगवा लो। अच्छा हाँ, वो भी होता है ना, सस्ते में नहीं पड़ गई है मोम। अभी जब देखते हैं जूते वूते कुछ मिलता है तो बता। शेर गुलाम किया गया आपकी बॉडी भी खेल रहे ये तो है। गिफ्ट वाली चीजें तो मैं ऐसे खरीद लेता अगर मेरे पैसे लग रहे होते ना। कुछ और बताओ इसकी, इसी रेट में और चीज दिखाओ चार पांच। ये वाले इसमें डलवा लूँ मैं और क्या, इसी में ट्रेनिंग करेंगे आज। तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, सब की ऐसे एक साइज क्यों डाल रखी है, इतना जोर क्यों लगा रखा है भाई। तो ये शोल्डर से आगे चले जाएंगे आज। आई मीन एक साइज चेस्ट बाइसेप्स ट्राइसेप्स। वर्कआउट मील रेडी कर रहे हैं जो कि हमारी फिफ्थ मील है और इसमें हम यूज कर रहे हैं पोटैटो। वैसे हमें स्वीट पोटैटो बोल रखे हैं लेकिन हम वो यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ब्लोटिंग हो जा रही है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा चल रही है दिल्ली में। भाई साहब कुमार जी को पता नहीं है दिल्ली का वेदर इज़ सो खतरनाक। इसकी जगह हमने पोटैटो ऐड कर रखे हैं। फिर ये 200 ग्राम पोटैटो रख रहे हैं हमें फ्रायर के अंदर काट के, पहले ये बॉइल कर रखे थे आंटी ने, मतलब पहले बॉइल करके फिर काट के फ्रायर में, थोड़ा सा टेक्सचर आए क्रंची सा है, मतलब कि पोटैटो फ्राइज लगे हुए। एंड उसी में हम डाल रहे हैं सैल्मन, प्रोटीन में हम ले रहे हैं सैल्मन जो कि एक्सपेंसिव स्टफ, इसी में डाल रहे हैं। इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग से दो बार करो, इसी में भर देते हैं सैल्मन हम ले रहे हैं। हमें थोड़ा अंदाज़ा हो चुका है क्योंकि हम एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीज़ों में। तो हमने सैल्मन लिए है 150 ग्राम, इसको हम घुमा देंगे 20 मिनट के लिए अगेन और इसके बाद खाना रेडी। इस मील में गुड फैट भी है, गुड फैट हमने ऐड कर रखा है एवोकाडो, आधा एवोकाडो। तो ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है, इसके बाद एक और लास्ट मील बची हुई है और ये जल्दी से खा ले तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, रुकने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। आज थोड़ा बहुत तो देखो मैं खा ही गया हूँ कैच अप हमेशा हमारे साथ लॉयल। गाइस जिसने गिफ्ट दिलाया जिनके पैसे लगे वो है ही नहीं घर पे, तो किसको दिखाएं, छोड़ो ऐसे भी हमारी लास्ट मील हो रही है तो इसके बाद हमें सोना है। तो लास्ट मील बिल्कुल सेक्सी मील है, बहुत ज़्यादा खाना है इसके अंदर। इसके अंदर है 200 ग्राम चिकन, इसमें नॉर्मल वाला चिकन है, कीमा वाला नहीं है। एंड 3 ounces ऑफ सैलड जिसमें कि ज़्यादा खीरे डाल रखे हैं। तो ये है हमारी सोने से पहले की मील और इसके बाद सीधा सोते हम, और पूरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा अभी। तो ये है हमारी लास्ट मील ऑफ द डे और इसकी मैं वीडियो ख़त्म करते हैं। सोचा था मॉम का रिएक्शन डालेंगे लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ऐसा अभिनव का कहना है, मेरा नहीं है मुझे बता दे तो बाय, टेक केयर। अब देखते हैं नेक्स्ट बर्थडे भी मिलते हैं या कब मिलेंगे तो देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।